हमारे और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया था मैंने एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने इसलिए कहा था कि वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह मैंने देखा, वहां के जो जनता में एक उफान था क्योंकि वो हरियाणा को आगे ले जाना चाहते थे, वो हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं, वो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आपने देख लिया कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और देने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जहां हमारे चुनाव आने वाले हैं वहां भी मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये भी विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में केंद्र में भी हम चौथी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ। मैं आज आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने जिस विश्वास के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उस जनता को मैं कोट कोट नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी को हरियाणा के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी भाई साहब को कि उन्होंने भी सभी जगह जिस तरह से राजस्थान से भी हमारे कार्यकर्ता गए, सभी जगह उन्होंने जाकर के मेहनत की। वहां के प्रभारी भी हमारे थे माननीय सतीश जी पूनिया, उन्होंने भी काम किया, हमारे वरिष्ठ नेता भी गए उन्होंने किया।